नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट जन की। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं सीपीएल में होने जा रहा 17th मैच, जो कि जमैका तलाब है वो सीज सैंड गेट नेविस प्रिटोरियस के बीच में होने जा रहा है। ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है, क्योंकि भाई देखो यहाँ पर जो दोनों ही टीम है ज़्यादा दूरी नहीं है, एक दो पॉइंट की अंदर है। दोनों ही टीम चाहेंगी भाई ये वाला मुकाबला अपने नाम करके जो है अपना पॉइंट टेबल में मेंटेन होने की। जमैका तलाब की बात करें तो उन्होंने अभी तक 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले अपने नाम करे हैं, 6 पॉइंट हैं यानी कि उनके। वहीं बात करें सैंड किट्स की तो उन्होंने अभी तक 6 मुकाबले खेले, 1 मुकाबला बस जीता है अभी तक और 2 में जो है नो रिजल्ट रहा है, और यहाँ पर 2 का जो है मैच टाई वगैरह रह गया, मतलब 2 में हार मिल ली है। सो सिंपल इनकी बात करें तो इनके जो है पॉइंट 4 है, यानी कि दोनों ही टीम में बस एक एक मैच का अंतर है। अगर जो यहाँ पर सैंड किट्स जो जीत जाती है तो भाई उनको जो है 6 पॉइंट के साथ वो ऊपर चले जाएगी, लेकिन जमैका तलाब अगर जो जीत जाती है तो फिर 1 पॉइंट और मिलने के साथ वो ऊपर चले जाएगी। यानी कि दोनों ही टीम यहाँ पर मेंटेन करनी चाहिए अपनी पोजीशन को। दोनों ही टीमों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में दोनों ही टीम की प्रिडिक्शन के बारे में, तो जानने के लिए वीडियो एंड तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर जो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। सो गाइस चले बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर वेन्यू की। ये मुकाबला होने वाला है 14 सितंबर वेनसडे के दिन और शाम को 7:30 बजे होगा इंडियन टाइम अनुसार, क्वींस पार्क ओवल पोर्ट ऑफ स्पेन में होएगा। अगर जो बात करें पिच रिपोर्ट की, यहाँ पर इस वाली पिच के ऊपर क्या स्टैट्स हैं, तो अभी तक इस वाली पिच के ऊपर डोमेस्टिक के टोटल 46 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें से टारगेट चेज यहाँ पर 21 टाइम हुआ है और टारगेट डिफेंड यहाँ पर 25 टाइम हुआ है। यानी कि हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पर टारगेट चेज और डिफेंड में ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग बराबर से ही है। अगर जो टीम चाहे तो टारगेट चेज भी कर सकती है, डिफेंड भी कर सकती है, लेकिन कब कर सकती है, अगर जो यहाँ पर 158 तक रन बनते हैं तो टारगेट चेज हो सकता है, लेकिन अगर जो 174 तक रन बनते हैं तो टारगेट जो है भाई डिफेंड होएगा, पक्की बात है। यानी कि हम सिंपल भाषा में कहें कि 160 तक भी रन बन जाते हैं ना, 160 रन बन जाते हैं, 165 तक भी यहाँ पर मैं कहूँगा कि टारगेट चेजिंग के चांस है, लेकिन जब 170 से ऊपर रन बनने चालू हो जाएंगे, समझ जाना भाई, यहाँ पर टारगेट डिफेंड होना कंफर्म है। और यहाँ पर जो है एवरेज जो इनिंग स्कोर है यहाँ पर 162 का, यानी कि 162 से ऊपर रन ही देखने के लिए हम लोगों को मिलने वाले हैं। अब बात करें हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की, दोनों ही टीम जब जब आपस में भिड़ी है क्या क्या हुआ है। जब जब दोनों टीम अभी तक टोटल यहाँ पर 16 बार भिड़ चुकी है दोनों ही टीम। जमैका तलाब ने 8 विन करी है और यहाँ पर सैंड किट्स ने यहाँ पर 7 विन करी। मैं कह सकता हूँ कि भाई हेड टू हेड रिकॉर्ड में इतना अंतर नहीं है कि मतलब जमीन आसमान का अंतर नहीं, बस एक मैच का अंतर है। सो मैं कहूँगा कि पिछले रिकॉर्ड जो बोलते हैं भाई लगभग लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि एक मैच जो है नो रिजल्ट भी रहा है। और बात करें अगर जो लास्ट 5 मुकाबलों की, लास्ट 5 मुकाबले भाई सब साबित कर देते हैं। लास्ट मुकाबलों में कहा हुआ है जमैका तलाब ने 3 मुकाबले खेले हैं और सैंड किट्स ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ भाई इस मामले में लास्ट 5 मुकाबले में जमैका जो है थोड़ी सी हम लोगों को आगे नजर आती हुई दिख रही है। यानी कि हम कह सकते हैं हेड टू हेड के रिकॉर्ड में जमैका भाई हम लोगों को आगे है। बात करेगा जो दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 की, दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 किस प्रकार से होने वाली है। देखो जमैका तलाब है कि प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस नहीं होने वाला, देखें तो भाई यहाँ पर सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। बात करेगा जो उनके बल्लेबाजों की, तो मैं कहूँगा कि बल्लेबाज इनके काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके जा रहे हैं, जितने भी बल्लेबाज आते हैं अच्छे रन दे करके जाते हैं। सिंपल भाषा में यही कहूँगा बल्लेबाज जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जबरदस्त नज़र आ रही है मुझे। जितने अभी तक इन्होंने 3 मुकाबले खेले और 5 मुकाबले जो है 5 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले जीते हैं, तो 5 मुकाबले जो खेल है ना भाई बल्लेबाजों ने थोड़ी बहुत चूक कर दी, लेकिन गेंदबाजों ने कोई चूक नहीं करी। तो मैं सिंपल ये कहूंगा गेंदबाजी बहुत तगड़ी है और बल्लेबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी है। वही बात करें सैंड किट एंड नेविस प्रिटोरियस की बात, तो भाई यहां पर जो है ड्विन ब्रावो या फिर भाई आ सकते हैं वापस, देखते हैं भाई फिटनेस का है इनका क्या होगा। फिलहाल तो अभी जो है प्लेइंग 11 चेंज नहीं होने वाली, मे बी इसके बाद जो मैच होगा उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं, फिलहाल तो प्लेइंग 11 नहीं चेंज होने वाली। बात करें इनके बल्लेबाजी और गेंदबाजी की, 6 मुकाबले खेले हैं 1 मुकाबला जीता है, तो मैं कहूंगा कि भाई कहीं ना कहीं जो है बल्लेबाज परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाज थोड़ा सा ठीक ठाक है, लेकिन बल्लेबाज जो है ना काफ़ी अच्छे नाम है, ड्वेन ब्राविस, रेन बाउडो, और यहाँ पर जो है स्टार्टिंग के जो ओपनर्स है ओपनर्स मैं कह सकता हूँ एंड्रे एंड इवन लुइस जो है ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे जाते हैं कभी कभार, लेकिन मुझे जो पर्सनली मैं सिंपल यही कहूँगा बल्लेबाजी में जो है यहाँ पर दम नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी बड़े बड़े नाम है ड्वेन ब्रावो, विन प्रिटोरियस, तो आई डोंट थिंक यहाँ पर यहाँ ये जो है अभी अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे इस वाले मैच में अभी, क्योंकि पिछले मैच में इनकी परफॉर्मेंस डाउन पर डाउन होती जा रही है। नाम बहुत बड़े बड़े पर उम्मीद रखते हैं कि भाई ये बंदा चल जाएगा वो बंदा चल जाएगा, चलता कोई भी नहीं है, सब आ करके भाई फिसड्डी हो जाते। तो सिंपल मैं यही कहूँगा बल्लेबाजी बहुत ख़राब है। गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी ठीक ठाक लेवल पर कहूँगा, ज़्यादा अच्छी तो है नहीं पर ठीक ठाक कह सकते हैं हम। सिंपल भाषा में कहें अगर जो प्लेइंग 11 में कौन सी टीम जीती है, तो जमैका तलाब जो है यहाँ पर जीत जाती है भाई प्लेइंग 11 के मामले में। अगर जो दोनों ही टीम के टारगेट चेज और टारगेट डिफेंड रिकॉर्ड्स देखें भाई, दोनों ही टीम कौन सी टीम यहाँ पर टारगेट डिफेंड या फिर टारगेट चेज करने में अच्छी है। जमैका तलाब को अभी तक टोटल 4 मुकाबले मिले हैं, जिसमें से उन्होंने 1 बार टारगेट चेज करा। वहीं बात करें
सैंड किट्स की, तो सैंड किट्स को यहाँ पर अभी तक 11 बार मुकाबले में यहाँ पर टारगेट चेज करने के मौके मिले और उन्होंने बस 4 बार ही चेज करा है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि भाई दोनों का लगभग लगभग बराबर सा मिला, क्योंकि दोनों को चांस यहाँ पर सनायका को जमायका को थोड़े से कम चांस मिले हैं और उन्होंने एक बार करा, और यहाँ पर सैंड किट्स को ज़्यादा चांसेस मिले पर उन्होंने ज़्यादा चार्ज चेज नहीं कर पाए। तो मैं कहूँगा कि चेजिंग में दोनों टीम थोड़ी थोड़ी कमज़ोर है। वहीं बात करें डिफेंडिंग की, तो डिफेंडिंग के मामले में जमायका को 11 बार मौके मिले हैं चेज करने का, डिफेंड करने का, तो 11 में से उन्होंने 7 बार टारगेट डिफेंड कराया, तो यानी कि जमायका तलवाया काफ़ी अच्छी है डिफेंडिंग में। वहीं बात करें SNP यानी कि सैंड किट्स की, तो भाई उनको 4 मौके मिले हैं और 3 बार यहाँ पर टारगेट डिफेंड करा है। तो मैं सिंपल भाषा में कहूँगा दोनों ही टीम यहाँ पर डिफेंड करने में काफ़ी अच्छी है, यानी कि गेंदबाजी काफ़ी अच्छी है जैसा कि मैं कह रहा था ये, लेकिन चेजिंग में थोड़ा सा यार यहाँ पर इनका हो सकता है। तो देखते हैं भाई यहाँ पर कौन सी टीम जीतेगी, पर फिलहाल अगर हम लोग फाइनल रिजल्ट बात करें देखेंगे भाई दोनों ही टीम में कौन सा विन परसेंटेज ज़्यादा बनती है। तो मेरे हिसाब से जमायका तलाइवा यहाँ पर जो है 80% विन परसेंटेज बनाती है, क्योंकि भाई प्लेइंग 11 अच्छी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बोलते हैं, लास्ट डिफेंड जो है मतलब लास्ट मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती आ रही है। सिंपल यही कहूँगा यहाँ पर जमायका तलाइवा ये मुकाबला लेकर के जा सकती है। फिलहाल तो अगर जो आप लोग मैच को और डिटेल में जानना चाहते हैं व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, वंदे मातरम, गुड बाय।